ये आपके सामने जेई एडवांस 2021 पेपर वन क्वेश्चन नंबर वन। तो उस क्वेश्चन को करने का वे क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कंसिडर अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 1, 1 देन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको ऑर्थो सेंटर पता होना चाहिए और सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये दो पता होना चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट और सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन जस्ट मैंने भी किया है और इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सही ढंग से देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके पास ए बी सी ये तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि इसमें लिखा है कि ट्राइंगल की एक साइड जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो पर है, बाकी दो साइड्स एक्स एक्सिस पर भी है, ऐसा कुछ सारा इंफॉर्मेशन इसमें डाटा दिया गया। तो बच्चों अगर साइड उसकी एक्स एक्सिस पे होगी ट्राइंगल की कोई भी एक साइड तो उसकी इक्वेशन क्या होगी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन को देख के ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचो कि ट्राइंगल की दोनों साइड एक्स एक्सिस पे है। अगर ट्राइंगल की दोनों साइड एक्स एक्सिस पे होंगी तो फिर ट्राइंगल तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो मैंने ट्राइंगल की ये साइड एक्स एक्सिस पे ले लिया और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वाई इक्वल टू जीरो। और दूसरी साइड हम किसी को लेट कर लेते हैं, दूसरी साइड क्या है वैभव, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो वैभव देख के तुरंत खुश हो गया, कह गया सर देखिए ये वाला वर्टिसेस तो निकल आया, ये वाला वर्टिसेस तो निकल आया, क्या है ये वाला वर्टेक्स। कहोगे सर वाई इक्वल टू जीरो डाल दीजिए, तो y इक्वल टू जीरो डालने पर x माइनस वन आ रहा है, तो ये सर कोऑर्डिनेट आ गया माइनस वन कॉमा जीरो, एक कोऑर्डिनेट तो निकल आया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको काफी देर तक डिस्क्राइब किया, अब ना पूछिएगा कि ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1, 1, क्या बात समझ में आती है। अब बच्चों अगर आप इस ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, मैंने बड़ा कर दिया, तो y इक्वल टू जीरो बेसिकली x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर अगर तुम कोई लाइन इस तरह से ये ड्रॉ करते हो तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तुम कहोगे सर ये लाइन पास कर रही 1, 1 से और ये वाली लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया भाई, ये जो लाइन है ये किस पे ड्रॉ की गई है परपेंडिकुलरली, ये ड्रॉ की गई है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या होता है वाई एक्सिस, तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास हो रही है 1, 1 से, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई एक्स इक्वल टू 1। क्या इसमें किसी को डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो, बता दें पूरा। तो तुम कहोगे सर इस लाइन की इक्वेशन तो आ गई लेकिन अभी भी आप नहीं समझ पाए, तो मैं आपको लिख करके यहां दिखा देता हूं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट रहा होगा 1, 0 तभी ये लाइन x इक्वल टू 1। क्या नहीं समझ में आया, ओके। तो तुम कहोगे सर अगर ये लाइन x इक्वल टू 1 आ गई है तो सर हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं a वाला, ये वाला पॉइंट, ये a पॉइंट कैसे निकलेगा, ये x इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस 1 में डाल देंगे, तो ये पॉइंट कितना आएगा वैभव बताओ बेटा, 1, x इक्वल टू 1 जरा डाल दो वैभव उसमें, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या आएगा माइनस टू, क्या रहा एग्जैक्ट माइनस टू, तो 1, -2। तो बच्चों ये पॉइंट एकदम वैभव ने सही बताया 1, -2 है। उसके बाद बच्चों को सी पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट निकालने में कोई मेरी बता दे कैसे निकालेंगे। वैभव कह रहा कि सर एक बात बताएं, आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लो इस वाली लाइन, क्योंकि सर इस वाली लाइन का स्लोप हमको पता है ऑलरेडी, इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, यानी लाइन एसी का, ए बी लाइन का स्लोप क्या है, ए बी लाइन का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस वन, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा 1 होगा ना लन, क्यों भाई इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन बताओगे जिसका स्लोप 1 है और 1, 1 से पास हो रही है, इस वाली लाइन की इक्वेशन बता दो भाई, जिसका स्लोप 1 है और 1, 1 से पास हो रही है वाई इक्वल टू एक्स एग्जैक्टली। अब वैभव ये बताओ क्या तुम सी पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सी पॉइंट जो है वो बेसिकली तीन तीन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक एसी का, एक एल्टीट्यूड का
और एक बीसी का। तो सर सबसे आसान ये है कि हम y इक्वल टू जीरो को y इक्वल टू x से सॉल्व कर ले तो हमारा सी पॉइंट तब भी निकल आएगा। तो क्या आएगा, 0.0। कहो सर क्वेश्चन तो आपने कर दिया, क्योंकि सर तीन वर्टेक्स आ गए, उसके बाद आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं, और सर्किल की इक्वेशन लिखने का मन नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक काम है, चारों ऑप्शंस, ये जो तीन ऑप्शंस दिए हैं, चार दिए हैं, उनमें एक एक करके पॉइंट डालो, जहां पे ये तीनों पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई हो जाए वही सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंप्लीट निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कहोगे सर सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, 0.0। जब इसमें 0.0 डालेंगे, क्यों डालेंगे 0.0, क्योंकि हमें एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो तीन पॉइंट से होकर के पास करती है। तो बेटा सी की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो मैंने आपको बताया था ना इसमें एक वर्टेक्स 0.0 होता है, तो सी की वैल्यू 0 आ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को पास कराएंगे -1.0 से, तो ये हो गया -1.0। तो वैभव जल्दी बता दो बेटा जी की वैल्यू आ रही है कितनी आई, ओके जी की वैल्यू वैभव ने हमको बताई है दिस इज हाफ, जी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब ये आपकी सर्किल की इक्वेशन है और किससे पास कर रही है, 1.-2 से, तो 1.-2 भी वैभव जल्दी से सेटिस्फाई कराओ, जी की वैल्यू डाल देना उसमें, क्या बताया 1.-2 इक्वल टू जीरो। वैभव बता दो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ रही है, 1.4 दिस इज 5, जल्दी से बताओ बेटा, आपके पास जीएफसी तीनों आ जाएंगे, 3 आ रही है। तो बच्चों आपके पास जीएफसी तीनों निकल आए, अब आप क्या करिए सर्किल की इक्वेशन में सब पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, देख लेना बेटा सही निकालिए ना, प्लस सी, सी की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, क्या बेटा 3/2, ओके 3/2 मैं लिख लेता हूँ 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। नाउ चेक योर आंसर, आंसर इज बी पार्ट। तो बच्चों ये जे एडवांस का क्वेश्चन बी पार्ट आपका फिनिश हो गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, और उसमें मेन क्वेश्चन की ज्योमेट्री है, जिसको ज्योमेट्री समझ में आती है, ऑर्थो सेंटर के बारे में पता है, लाइन की इक्वेशंस के बारे में पता है, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, वो उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकता है। थैंक यू, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।